दोस्तों आज मैं एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जहां एक 53 साल का ससुर अपनी 30 साल के बहू के साथ 5 महीने से डरा धमका कर दुष्कर्म कर रहा था। पीड़िता ने बताया, ऐसा लगता था कि जैसे ससुर को इसकी लत सी लग गई थी। वो रोज कमरे में चले आते हैं और दुष्कर्म करते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एसएम अफेयर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों यह घटना बिहार के गया जिले से सामने आई थी। यहां मोहिनी देवी नाम की महिला की शादी घटना से 5 साल पहले सुमित नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी। शादी के बाद मोहिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसकी उम्र 2 साल है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि जब से वह ससुराल में आई थी तभी से उसके ससुर गंदी नीयत से उसे देखते थे और मौका मिलने पर बैंक टेंशन करते थे, लेकिन मैंने उनकी इन हरकतों को इग्नोर कर दिया। मुझे लगा ससुर जी के इन हरकतों को कुछ दिन इग्नोर कर दूंगी तो शायद उनके दिमाग में कुछ समझ आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बल्कि इसके विपरीत हो गया। एक रात की बात है जब परिवार के सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे, शिवाय ससुर के, तो मैं बच्चे के साथ अपने कमरे में जाकर लेट गई। तभी घर में किसी के ना होने का फायदा उठाकर 53 वर्षीय ससुर हमारे कमरे में आ गया और जोर जबरदस्ती करने लगा। पहले तो उसने अपने ससुर के चंगुल से आजाद होने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रही। वह रोती बिलखती रही और ससुर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता रहा। वह हवस में इतना अंधा हो गया था कि उसे रिश्ते नाते कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दुष्कर्म करने के बाद ससुर ने उसको धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी के सामने अपना मुँह खोली तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। 4-5 दिन बाद किसी तरह हिम्मत जुटाकर पति और ससुरालियों को यह बात बताई तो उन्होंने भी उसके बातों पर यकीन नहीं किया। पति का कहना था कि तुम गलत बोल रही हो, मेरे पिताजी ऐसा कर ही नहीं सकते। महिला ने यह भी बताया कि जब उसके पति का साथ नहीं मिला तो ससुर की हिम्मत और बढ़ गई। अब तो ससुर आए दिन मौका देखकर कमरे में चले आते और उसके साथ दुष्कर्म करते थे। ऐसा लगता था कि ससुर को इसकी लत सी लग गई हो। वे जब जब ससुर के द्वारा की जा रही शर्मनाक करतूतों के बारे में अपने पति को बताती तो पति उससे कहता कि चुप रहो, मेरे पिता करने की तो बहुत दूर, कभी सोच भी नहीं सकते। जब उसके ससुराल में कहीं नहीं सुनवाई हुई तो उसने परेशान होकर ससुर द्वारा की जा रही शर्मनाक करतूतों की सारी बातें अपनी सहेली को बताई। सहेली से सपोर्ट मिलते ही वे थाने पहुंची, जहां पुलिस को ससुर द्वारा की जा रही इन शर्मनाक करतूतों के बारे में बताते हुए मामला दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी ससुर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों आप आपराधिक मानसिकता को समझें और सतर्क रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।